Hello and welcome again to EduOn. It's me David again, your maths mentor, covering one of the most important topic of competitive exam, that is time and work. बहुत बहुत important video है, शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना। इसके बाद time and work का आपका कोई सा भी competitive exam का कोई सा भी question होगा नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने उसके video को ध्यान से देखा और concept को समझा है तो। Time and work को हम यहाँ पर total तीन parts में divide करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले पार्ट में आपको टू पर्सन्स और थ्री पर्सन्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दो व्यक्ति कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, जब उनके अलग अलग कार्य आपको कार्य साथ दिन दिया रहेंगे तीन व्यक्ति के बारे में, या जब मध्य में कोई कार्य छोड़ देता है या कोई बीच में कार्य में आ जाता है, ये सबसे पहला पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इसका हम एक एक नियम, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, सेकेंड पार्ट में एक एक नियम मतलब यूनिटरी मेथड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। जहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, जहाँ पर आपको व्यक्ति दिया रहेगा, आपको आपको यहाँ पर पर्सन दिया रहेगा, डेज दिया रहेगा, आपको आर्स दिया रहेगा, साथ में आपको यहाँ पर वर्क दिया रहेगा, और दूसरे ग्रुप का आपको या तो पर्सन डे आर्स, आपको इसमें से कुछ ना कुछ आपको निकालना होगा। ये पहला पार्ट होगा, और इसी के सेकेंड पार्ट में आपको पर्सन्स के साथ आपको यहाँ पर डे देगा या फिर आपको यहाँ पर क्या देगा, दिन देगा, ठीक। और वो कार्य स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों बाद व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं, या कुछ व्यक्ति कार्य में जुड़ जाते हैं, या फिर कार्य करने का जो दिन है या जो घंटा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। क्लियर हुआ? जो थर्ड पोर्शन है इसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे कार्य और साथ में उसकी मजदूरी, जिसको हम बोलते हैं वर्क एंड वेजेस, ठीक है। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, और दोनों मिलकर एक काम को लेते हैं 200 रुपये 300 रुपये में, है ना, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, एक वो वाला। या फिर आपको व्यक्ति दिया रहेगा, राशन दिया रहेगा, उसकी क्वांटिटी दिया रहेगा, ये होगा। या फिर एक ठेकेदार काम को करने के लिए पर्टिकुलर डेज का लेता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो देखता है कि कार्य समाप्त नहीं हो पाया, तो कुछ व्यक्ति कार्य में और आ जाते हैं या फिर कुछ निकल जाते हैं, उस टाइप वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा, ये सारा साथ तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम करेंगे इसके सबसे फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, क्लियर हुआ, जिसमें हम समझेंगे टू पर्सन थ्री पर्सन के बारे में कंप्लीट वर्क, कि दो व्यक्ति काम कितने दिनों में कर सकते, तीन व्यक्ति काम कितने दिनों में कर सकते, ये पहला चीज। दूसरा, फाइंडिंग द डेज ऑफ अननोन पर्सन, मतलब आपको बोला है कि तीन लोग जैसे ए बी सी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी इतने दिनों में कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में करेगा, या बी और सी का देगा तो ए कितने दिन में करेगा आपको, या ए और बी दिया हुआ है तो बी कितने दिनों में करेगा, इस टाइप वाला क्वेश्चन होगा। थर्ड और फोर्थ में हम क्या करेंगे, जब व्यक्ति बीच में कार्य में छोड़ देता है या बीच में व्यक्ति को ज्वाइन कर लेता है, ये वाला पोर्शन किस में रहेगा, पर्सन लीव्स और पर्सन ज्वाइन में। उसके बाद एकांतर दिवस, अभी तक क्वेश्चन पे क्या होता है, दोनों साथ में कार्य कर रहे थे उस कार्य को, अब यहाँ पर क्या होगा, पर एकांतर दिन, मतलब एक दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर सी करेगा, उस टाइप वाले क्वेश्चन हम इसके अल्टरनेट डेज में कवर करेंगे। और लास्ट में इसका रहेगा दक्षता, एफिशिएंसी बेस्ड, एफिशिएंसी बेस्ड मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो व्यक्ति काम अलग अलग दिनों में करते हैं, तो ऑब्वियसली एक आदमी कम ले रहा है, एक आदमी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो उनका जो एफिशिएंसी होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट होगा, उस टाइप वाला क्वेश्चन हम इसको यहां पर कवर करेंगे। क्लियर हुआ? टाइम एंड वर्क के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, आपका यूनिटरी मेथड होता है आपका, जहां पर यूनिट्स निकालते हैं, टोटल वर्क के यूनिट्स को लेते हैं, वन डे वर्क हुआ, एफिशिएंसी बेस्ड आपका अलग अलग हुआ, ठीक है। हम जो यूज करेंगे, जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे टोटल वर्क को यूनिट्स में बांटना, टोटल वर्क को यूनिट्स में यहां पर क्या करना, डिवाइड करना, ये सबसे पहला चीज। और जो दूसरा होगा वो वाला होगा वन डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट, वन डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट, ये दो चीज हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? टोटल वर्क यूनिट्स और वन डे वर्क यूज कब करना, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब आपको ये वाला लेना है और आपको कब ये वाला लेना है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कब लेंगे, कभी भी आपको अलग अलग व्यक्ति दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और आपको सी दिया हुआ है, जब आपको ए बी और यहां पर क्या देगा, आपको जब सी दिया रहेगा और उनके कार्य करने के पूरे दिन दिए रहेंगे, जैसे बोला ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है,
बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। मतलब उस कार्य करने के पूरे दिनों को दिया रहेगा, टोटल डेज दिया रहेगा, तब यहां पर क्या होगा, ये जो होगा टोटल वर्क यूनिट्स वाले पोर्शन पे हम आएंगे। क्लियर हुआ? ये जो वन डे वर्क वाला है, वन डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होगा, ये जो वन डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होगा, जब आपको इस तरीके से दिया रहेगा ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, है ना, या बोलेगा आपको ए बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। जब आपको यहां पर पृथक पृथक सेपरेट सेपरेट आपको नहीं देगा, तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वन डे वर्क के कॉन्सेप्ट को लेंगे। समझ में आया किस तरीके से कब टोटल वर्क को यूनिट्स में डिवाइड करना है और कब आपको वन डे वर्क लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये हुआ। ठीक, अब सबसे पहला चीज आपको बोला है टोटल वर्क यूनिट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है। सबसे पहले अपन यहां पर क्या बोल रहा है, टोटल वर्क डेज, टोटल वर्क यूनिट्स को डेज में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको जो भी यहां पर नंबर ऑफ डेज देगा या नंबर ऑफ यहां पर क्या देगा आपको घंटे देगा, नंबर ऑफ डेज देगा या फिर आपको यहां पर क्या देगा घंटे देगा, तो उसका हम यहां पर क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो ये जो LCM होगा ये टोटल यहां पर क्या होगा, वर्क यूनिट्स निकल जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे आपको बोला है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वही कार्य को बी 30 दिनों में कर सकता है, तो यहां पर जो होगा टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा या फिर टोटल वर्क यूनिट्स कितना होगा, 20 और 30 का यहां पर क्या होगा LCM निकल जाएगा। तो 20 और 30 का LCM कितना हुआ, 20 और 30 का LCM हुआ 60 हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? ए और बी का जो टोटल वर्क यूनिट्स वो कितना हुआ, 60 यूनिट्स हुआ। यहां तक क्लियर? अब ए क्या कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है और यहां पर ये जो है वो 30 दिनों में कर रहा है। यहां तक पोर्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब टोटल यहां पर 60 यूनिट वर्क है और यहां पर 20 दिनों में कर रहा है, तो जो ए है एक दिन में कितना यूनिट करेगा, वो 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा। और जब बी का निकालेंगे 60 को 30 से डिवाइड यहां पर करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा यहां पर क्या होगा, 2 यूनिट ऑफ वर्क होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये हमेशा क्या रहेगा आपको, जब आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज आपको दिया रहेगा ये वाला। क्लियर? वन डे वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से रहेगा, वन डे वर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लेते हैं ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो जो ए का एक दिन का काम होगा, ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 1/20 होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या होगा, वन डे वर्क का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, जब हम वन डे वर्क के कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे तो हमेशा यहां पर क्या होगा, जो हमारा टोटल वर्क होगा, जो हमारा यहां पर क्या होगा, टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, एक होगा। जहां तक समझ में आया, टोटल वर्क हमेशा कितना होगा, एक होगा, और यहां पर क्या होगा, वो वन डे के हिसाब से होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी अपन क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका बाकी जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट वही पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर बोला है ए 20 दिनों में कार्य करता है और वही कार्य बी 30 दिनों में करता है, वे एक साथ कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। अब ए का टोटल डेज दिया हुआ है, बी का टोटल डेज दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम यहां पर क्या होगा, हम टोटल वर्क को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। तो ए जो है, ए यहां पर क्या ले रहा है, ए ले रहा है 20 डेज ले रहा है। जो बी है, बी यहां पर ले रहा है 30 डेज ले रहा है। ठीक है, हमको पूछा है कि ए और बी वो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्लियर हुआ? सबसे पहला काम 20 और 30 का हम यहां पर क्या निकालेंगे, 20-30 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्लियर हुआ? 20-30 का LCM निकालेंगे, तो 20-30 का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो 60 है वो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना हमारे पास, 60 यूनिट्स है। अब ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, वो करेगा 60 अपॉन कितना करेगा, 20
तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा? बी का बात करेंगे तो 60/30 मतलब ये करेगा 2 यूनिट काम करेगा। क्लियर हुआ? तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी का बोलेगा तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 60 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा? 3 + 2, इसका मतलब 60/5, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 12 दिन के बराबर होगा। क्लियर हुआ? ये इसका सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करेगा, बी उस कार्य को वाई दिनों में करेगा, तो ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ये क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इंटू वाई अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा 20 × 30/20। 20 + 30 कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा? 50 ये कटेगा ये एक बार में, और ये 4 बार में, 4 ते कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो दोनों तरीके से अपन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, वही तरीके से हमारा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में ए अकेला कार्य पूरा कर सकता है? आपको बोलेगा ए और बी मिलकर एक कार्य को एक्स दिनों में कर सकते हैं, ए अथवा बी इसे वाई दिनों में करेगा, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, अदर पर्सन होगा, वो इसे कितने दिनों में करेगा? मतलब अगर आपको यहाँ पर क्या देगा, ए दिया रहेगा तो आपको बी पूछेगा, बी दिया रहेगा तो आपको ए निकालना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहाँ पर जो ए और बी है ये कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और यहाँ पर बी अकेला कितना दिया? 18 दिया हुआ है। मतलब ये कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा? ये हमारे पास हो जाएगा 12 × 18 / 18 − 12 करेंगे, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, 18 × 2 = कितना हो जाएगा? 36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? अब इसी का जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमको दिया हुआ है। ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है और बी 15 दिनों में कर सकता है। ए का आपको दिया हुआ है कितना दिन दिया हुआ है? 18 दिन, और बी का कितना दिया हुआ है? 15 दिन। ठीक, ध्यान समझना। अब यहाँ पर ए और बी के पूरे दिन दिए हुए हैं, हमेशा जो टोटल वर्क यूनिट्स पे होगा, जो टोटल वर्क यूनिट्स पे होगा वो कितना होगा? 18 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे और वो कितना हो जाएगा? वो मेरे पास होगा 90। कितना हो जाएगा वो मेरे पास? वो मेरे पास हो जाएगा 90। ये सबसे पहला चीज, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? अब बोला है बी ने 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, कितने दिनों में ए अकेला बचा हुआ काम पूरा करेगा? ठीक, टोटल आपको दिया यहाँ पर 90 यूनिट्स आपको दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा? ए अगर बोलेगा एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 90/18, 5 यूनिट करेगा ए, ठीक है? यही बात हम बी के करेंगे, तो बी का जो एक दिन का जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 90/ यहाँ पर 15, तो ये कितना हो जाएगा? 6 यूनिट होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारा आया। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है बी ने 10 दिनों तक काम किया। कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। बी कितने कर रहा है अपने को? बी यहाँ पर कर रहा है 10 दिन तक काम कर रहा है। बी 10 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल मतलब 60 यूनिट काम हो चुका है। बी ने 60 यूनिट काम कर लिया है,
तो जो ए है ए के लिए कितना यूनिट बचेगा, ए के लिए बचेगा 90 में से 60 जाएगा तो कितना यूनिट बचेगा, ए के लिए बचेगा 30 यूनिट बचेगा। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30/5 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 6 दिन होगा। इसका मतलब जो ए है बचा हुआ काम क्या करेगा, वो 6 दिनों में समाप्त करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन का। जस्ट अगला आते हैं। अब यहां पर बोल रहा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। अगेन यहां पर टोटल अपने को यहां पर क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है ये हमको दिया टोटल डेज दिया हुआ है ए और बी का। तो सबसे पहला काम जब हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल वर्क के बारे में बात करेंगे, टोटल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो ए कितना बोल रहा है, ए बोल रहा है 15 दिन, और बी कितना बोल रहा है, बी बोल रहा है यहां पर 20 दिन बोल रहा है। तो ये दोनों का जब हम निकालेंगे लघुत्तम, जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा 15 और 20 का। तो ए का एक दिन का यूनिट ये होगा 60/15 मतलब 4। बी का एक दिन का यूनिट ये कितना होगा, 60/20 तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो कहानी बोल रहा है ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने तक, यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट खत्म हो गया होगा, 4+3 तो मतलब 6×7 42 यूनिट कार्य समाप्त उन लोग कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग है, तो जो बचा हुआ है वो कितना है, वो हो जाएगा 60 में से 42 गया तो अब बचा है 18 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो बोला है यदि वे 6 दिनों तक कार्य साथ में करते तो काम का कौन सा हिस्सा बच जाता है, 18 यूनिट हमारे पास क्या बचा है, टोटल कितने यूनिट है, 60 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 18/60 तो 6 3 बार में और 6 10 बार में, इसका मतलब 3/10 काम यहां पर क्या बचा हुआ, कार्य बचा हुआ है। अब अगर बोलेगा सपोज ये कि कितना कार्य हो चुका है, कितना कार्य हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/60 मतलब 60/10 कार्य समाप्त हो चुका है। कितना कार्य समाप्त हो चुका बोलेगा तो 7/10, और कितना कार्य शेष बचा तो कितना हो जाएगा, 3/10। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। जस्ट अगला आते हैं। अब अगेन वही दिया हुआ है ए बी और सी क्रमशः 24 दिन 6 दिन और 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए का दिया हुआ है 24, बी का दिया हुआ है 6 और सी का दिया हुआ है 12, सी का दिया हुआ है 12। तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो 24, 6, 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद मतलब जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो मेरे पास 24 यूनिट है। क्या चीज है ये 24 यूनिट मेरे पास टोटल वर्क है जो उनको करना है, ठीक है। अब ए का एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा, 24/24 ए कर रहा है एक यूनिट, बी हो जाएगा 24/6 मतलब 4 और सी होगा 24/12 इसका मतलब 2 होगा। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 24/7 दिन लगेगा उस कार्य को पूरा समाप्त होने में, और इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो 7 * 21 तो 3 बचेगा तो वो हो जाएगा 3/7 दिन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 24/7 दिया है कि आपको 3/7 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब अगला ये दिया हुआ है ए और बी मिलकर 36 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इसे 18 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ काम करने से कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक। इसका दोनों चीज बताऊंगा कि कैसे आपका सबका मिला के कार्य होगा और कैसे एक एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होगा और शॉर्ट तरीके से।
आपको अगर बोल रहा है कि ए और बी एक्स दिन ले रहे हैं, बी प्लस सी आपको यहाँ पर वाई दिन ले रहे हैं, ध्यान से समझना, और सी और ए ले रहा है आपको जेड दिन ले रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिनों में कार्य करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये हमारा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको ध्यान समझना, फिर आगे हम लोग यहाँ पर क्या ए बी सी वाला मतलब ए बी सी का अपन अलग अलग निकालेंगे वो करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो x का वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, जो x का वैल्यू है वो हमको दिया 36, b का जो वैल्यू है b और c का जो वैल्यू दिया हुआ है 24, और c और a का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया 18। अब एक चीज़ और है, अगर मैं 36, 24, 18 को मल्टीप्लाई करने बैठा तो और टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि ये जो तीन है ये तीनों का तीनों किससे डिवाइड होता है, ये तीनों का तीनों डिवाइड होता है 6 से। किससे डिवाइड होता है? 6 से डिवाइड होता है। कितने बार में? 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में। क्लियर हो गया? तो सब में 6 कॉमन निकाल लेते हैं, सब में क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 6 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 6 को हमने यहां पर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स में क्या बचा है, 6 बचा है, वाई में कितना बचा है 4, और इसमें कितना बचा है, इसमें बचा हमारा 3। सबसे पहला एक्स वाई मतलब 6 चौक 24, 4 तिया 18, ठीक है, सॉरी 4 तिया 12, ये जो है आपका, ये आपका 4 तिया 12 है, और उसके बाद 6 तिया 18 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद 6 इंटू कॉमन है 6, तो 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 वैसे का वैसे ही बचा हुआ है, और 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 6 एक बार में 6 9 बार में, 3 एक बार में 3 3 बार में, 3 एक बार में 3 कितने बार में हो जाएगा, 3 एक बार में 3 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आंसर हमारा कितना आ गया, हमारा 16 आ गया, ठीक। यहाँ तक मैं कैसे इजीली क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद, अब हमको बोला है यहाँ पर, अब इसके बाद मेन कहानी यहाँ पे चालू होता है। मेन कहानी यह है कि आपको अब अगर बोलेगा कि ए अकेला, आपको बोला है ए अकेला, यह आपको बोलेगा बी अकेला, यह आपको बोलेगा सी अकेला, ठीक। इसमें ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला एज इट इज वैसी का वैसी आ गया, ठीक है। ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड वैसी का वैसी आ गया है अपॉन यहां पर एक्स वाई वाई जेड और यहाँ पर जेड एक्स, ये प्लस में भी आ गया, तीनों में यहाँ पर क्या प्लस है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस साइन होगा। अब बोला है ए अकेला, ए अकेला मतलब तीनों में एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब जेड छुप जाएगा। तो जब ए अकेला बोलेगा, ए अकेला बोलेगा तो यहाँ पर जब सॉरी ए अकेला बोलेगा तो यहाँ पर इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो मतलब y कट गया, तो x और z वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन अगर क्या हो जाएगा माइनस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा a अकेले का निकलेगा। क्लियर हुआ? अब अगर सपोज b अकेला पूछा है तो b कहाँ पर नहीं है, b इसमें नहीं है, b इसमें नहीं है, तो z हटा देंगे तो क्या बचेगा एक्स वाई हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है अगर ये सपोज माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b आ जाएगा, b निकल जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन अगर ये माइनस पे होगा तब यही बचा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा c निकल जाएगा। क्लियर हुआ?
बस अपने को यही रूल अपने को याद रखना, जब आपको बोलेगा ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वाले क्वेश्चन का। जस्ट अगला, ये आपको बोला है पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 8 दिनों बाद पी ने काम को छोड़ दिया। शेष कार्य क्यू द्वारा अकेले 7 और दिनों में पूरा किया जाता है, तो पी पूरे कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि पी और क्यू कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, ये समाप्त कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक, तो पी और क्यू का एक दिन का जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1/12 होगा। कितना दिन काम किया है, 8 दिन काम किए, तो 8 डेज का जो वर्क होगा वो कितना होगा, 8 × 1/12, 4 2 बार में 4 3 बार में, तो मतलब 2/3 कार्य उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिनिश, समाप्त कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो शेष बचा कार्य है, शेष बचा कार्य मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना होगा, 1 − 2/3, तो वो कितना होगा, वो होगा 1/3। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है कि ये जो 1/3 काम है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। 7 दिनों में कौन कर रहा है, क्यू द्वारा ना, क्यू 7 दिनों में कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। 1/3 काम को क्यू क्या कर रहा है, 7 दिनों में कर रहा है, तो क्यू पूरा वर्क, क्यू कितना दिन में पूरा करेगा, 7 × जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 3/1, तो ये कितना हो जाएगा, 21 दिन। तो मतलब क्यों अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, जो शेष बचा कार्य क्यों उसको, सॉरी जो बचा है पी कूरे, अच्छा क्यों कहा गया, क्यों कितना बोला अपने को, क्यों बोलेगा अकेला, तो क्यों यहाँ पर करेगा हमको 12 दिनों में कार्य करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको पूछा यहाँ पर क्या है, हमको जो पूछा है वो हमको यहाँ पर क्या पूछा है, पी का पूछा है। किसका पूछा है, पी का पूछा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो बना समीकरण, मतलब 1/P + 1/Q, ये हमारे पास कितना बना है, ये बना हमारे पास 1/12 बना है। ठीक है, क्यों कितना दिया, 1/21 दिया हुआ है। तो जब 1/P करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/12 − 1/ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर हुआ। दोनों का जो लघुत्तम होगा वो यहाँ पर होगा 84, 7 − 4 तो कितना हो जाएगा, 3/84, तो ये 1 बार में और ये 28 बार में, तो 1/28 होगा। तो 1/P किसके बराबर है, 1/28 के बराबर है। तो पी उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, 28 दिनों में करेगा। क्लियर हो गया। क्यू अकेले का पूछेगा तो वो 21 दिन होगा, और अगर सपोज पी अकेले का पूछेगा तो हमारा कितना होगा, 28 दिन होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। जस्ट अगला देखते हैं। अब बोला है ए बी और सी एक साथ 2 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहला काम 1/A + 1/B + 1/C, ये कितना होगा, ये होगा 1/2। क्लियर हुआ। यदि ए अकेला 6 दिनों में और बी अकेला 5 दिनों में, मतलब 1/A दिया हुआ है कितना, 1/6 दिया हुआ है, और 1/B जो दिया हुआ है वो 1/5 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, 1/C हमको निकालना। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो 1/A और 1/B का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो 1/C होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1/2 − 1/6 − 1/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर प्लस पे है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस पे। ठीक है, तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 15 − 5 − 6 हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 कितना हो जाएगा, 4, तो 4/30, इसका मतलब 2/15। तो यहाँ जो आया है वो हमारे पास आया है 1/C = 2/15 आया है,
तो सी उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, वो आएगा 15/2, 7.5 या 7/1/2 दिन। एग्जाम में जैसा ऑप्शन देगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर हो गया ये वाला। जस्ट अगला आते हैं, किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है। सबसे पहला काम ए बोल रहा है 7/10 भाग को कितना दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। तो ए का जब निकालेंगे पूरा कार्य, ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, ए जब पूरा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15 × 10/7, मतलब 150/7 ए पूरा कार्य का होगा। और ए का एक दिन का अगर मैं कार्य बोलूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 7/150। लिख के निकाल लेते ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को वह 4 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, जो शेष बचा कार्य, शेष कार्य कितना बचा है, जो अपने को वर्क हमारे पास 7/10 कार्य हो चुका है, 7/10 कार्य हो चुका है, तो जो बचा है, बचा कितना है, 7/1 में से अगर 7/10 को माइनस करेंगे तो 3/10 कार्य बचा है, ठीक है। जो 3/10 कार्य को उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 दिन में ए और बी मिलकर उसको कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोले, जो शेष बचा कार्य है उसको 4 दिनों पूरा करता है बी के साथ, मतलब बी साथ में आ गया है। अब बी का हम जानते नहीं है, बी का मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं बी पूरा कार्य को एक्स दिनों में करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 7/150, तो 7/150 प्लस 1/x बराबर 3/10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/150 प्लस 4/x बराबर 3/10, ठीक है। अब इसको अपन काट नहीं रहे ताकि सिंप्लीफिकेशन में आपको इजी हो। तो 4/x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 माइनस 28/150 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब 10 और 150 का लघुत्तम कितना होगा, ये होगा यहाँ पर 150 होगा, 10 से भाग कितना, 15 ये कितना हो जाएगा 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 28, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/150। क्लियर हो गया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4/x के बराबर है, 4/x के बराबर है क्योंकि यहाँ पर 4/x था। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13x बराबर यहाँ पर 150 × 4, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 600/13 होगा, ये हमारा आंसर होगा, मतलब ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सॉरी ये हमारे पास किसका आया, बी का आया, बी का आया, ठीक है। अब पूछा यहाँ पर क्या है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए का एक दिन का काम कितना, 7/150 है। बी का एक दिन का कार्य कितना है, बी का जो होगा वो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 13/600। क्लियर हुआ। दोनों का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा 600, इससे से भाग दिया 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 और 13 कितना हो जाएगा 41/600। ये इनका एक दिन का काम आया है, ए और बी का एक दिन का काम आया है। क्लियर हुआ। अब अगर बोलेगा सपोज टोटल उसको कितना दिन लगा, टोटल दोनों मिला के कितने दिन में कार्य करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600/41, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।